एक राज्य 51 जिले, हर खबर पर हमारी पैनी नजर, मध्य प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर। नमस्कार, eNewsMP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के खास बुलेटिन की तरफ। सीधी मजोली सड़क मार्ग में आज एक घटित सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, बाइक और बुलेरो की हुई टक्कर। घटित घटना के उपरांत खमहा घाटी में जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। एडिशनल SP अंजुलता पटेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मार्ग में लगे जाम को खुलवाने के लिए जमोड़ी, पथरोला व मझोली की पुलिस टीम भेज दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुलाकाई सीधी का 2 सप्ताह से स्टूडेंट फॉर सेवा आयाम के तहत चल रहे कंबल संग्रहण अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हित, समाज हित और देश हित के लिए कार्य रहता है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी के द्वारा भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें सीधी के 2 सप्ताह से चल रहे कंबल संग्रहण अभियान का समापन शहर के गांधी चौक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल सह संगठन मंत्री गुप्ता, जिला संयोजक धीरज सिंह, नगर मंत्री महेंद्र मिश्रा, कार्यकर्ताओं और समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में किया गया, जिसके पश्चात अब कल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिलाकाई द्वारा कंबल वितरण का कार्य शुरू होगा। सीधी में भूमिहीन व्यक्तियों को आवास तो मिल गया, लेकिन आफत की बात तो यह है कि वह आवास बनाए कहाँ। आवास बनाने के लिए उनके पास 5 डिसमिल की जमीन भी नसीब नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हक की बात कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से की है। सीधी जिले के रसूखदारों के कब्जे की भूमि पर भला गरीब का आशियाना कैसे खड़ा हो सकता है। उचित होगा कि जनहित में आवास सेंशन के पहले इस तरह की तकनीकी अड़चनों को दूर करने की कवायद होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे भोपाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया CM शिवराज सिंह के साथ जाएंगे शाजापुर दौरे पर। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बंगाल में भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र महासचिव की गाड़ियों पर हुए पथराव को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में JP नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जो हमला हुआ है वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बंगाल में गुंडा राज चल रहा है, यह हमला उसका उदाहरण है। सिंधिया ने कहा कि बंगाल में प्रजातंत्र पर एक तांडव नृत्य चल रहा है। किसान बिल को लेकर सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में किसान हित में योजनाएं लाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की सरकार है, जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी या बनाई जा रही हैं वे सभी किसानों के हित में हैं। मध्य प्रदेश में ड्रग माफिया किशोर बच्चों में इसकी आदत डालने का प्रयास कर रहे हैं। मानवता के इन दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लिए एक समन्वित और विशेष अभियान की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ड्रग्स और नशीली वस्तु का कारोबार करने वाले मानवता के दुश्मन हैं, इन्हें किसी भी हालात में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके लिए विशेष अभियान चलाकर उनकी जड़ों पर प्रहार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस अभियान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहां एक और ड्रग्स और नशीली वस्तुओं का कारोबार करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाए, वहीं नशा करने वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति रखी जानी चाहिए और उन्हें स्नेह से नशे की लत छुड़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मैं मध्य प्रदेश में जो ड्रग माफिया है, ड्रग्स मतलब वो सफेद पाउडर जिसको कोई कोकीन कहता है, कोई बहुत MDMA जो जिंदगी तबाह कर देते हैं बच्चों की, और यहां तक के कई जगह बेटियों को भी उसकी आदत लगाई जा रही है, ऐसे ग्रोह का भी पता चला है, और बाद में फिर वो अपराध की दुनिया में भी धंसने की संभावनाएं बढ़ती है कि बड़े कस्बों से भी ऐसे समाचार मिले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन ड्रग माफिया को उखाड़ फेंकने के लिए एक समन्वित और विशेष अभियान की आवश्यकता है। ममता बनर्जी को भारत के लोग बाहरी नजर आते हैं, जबकि बंगाल वीरों और देशभक्तों की भूमि है। आजादी के आंदोलन को बंगाल ने दिशा दी थी। बंगाल बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है, ममता दीदी के प्राण माफिया में बसे हैं, लेकिन अब दुनिया की कोई भी ताकत ममता दीदी की सरकार को जाने से नहीं रोक सकती।
बंगाल के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बंगाल के अधिकारी सरकार का पिट्टू बनने के बजाय जनसेवक बनकर काम करें। इसी के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल में जया बच्चन की माता और अमिताभ बच्चन के साथ इंदिरा भादुरी से मिलकर बंगाली सद्भावना को बनाए रखने की अपील करेंगे। ये जो निर्ममतापूर्ण कार्रवाई है, हम लोगों को वो बाहर का गुंडा बता रही है जो इस देश के नागरिक हैं, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं उनको वो अपना बता रही है। मैं हमारे जो सदी के अभिनेता हैं माननीय अमिताभ बच्चन जी, उनकी सास से भी निवेदन करूंगा कि वो बंगाल के बंगालियों से इस कुशासन के खिलाफ, इस भ्रष्ट सरकार के जो निर्ममता दीदी की है उसे उखाड़ने की अपील करें। वो राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 16 दिसंबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में हमको उज्जैन संभाग है, भोपाल संभाग है और खासकर ये जो इंदौर संभाग है, यहाँ पर हमको रेन मिली है। यहाँ पे भी हल्की से मध्यम गरज चमक के साथ होगी, कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। 2-3 दिन ये एक्टिविटी प्रदेश में रहेगी वर्षा की, इसके बाद निकल जाएगा, फिर तापमान 16 तारीख से गिरावट आएगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। एक राज्य 51 जिले, हर खबर पर हमारी पैनी नजर, मध्य प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर।